वेलकम स्टडी आई एम किलोर एक अगस्त यानी कि परसों से स्टडी आई क्यू का एक लाइव फाउंडेशन बैच बिगिन हो रहा है नाउ द बैच विल बी बिगिनिंग फ्रॉम द हिस्ट्री मतलब हम पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बाद एंशंट और उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे नाउ बिफोर द बैच बिगिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले वी शेल एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी उस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है सो वट वी आर ट्राइंग टू अचीव वो हमें पहले समझ लेना चाहिए इट्स अ सिंपल प्रोसेस राइट सो अगर आप किसी भी बुक्स बुक को पढ़ें सो लेट से कि हमें हिस्ट्री की बुक पढ़नी है जिसके लिए हमें मॉडर्न uh, इंडिया की एक एनसीआरटी आती है उसको कंप्लीट करना होता है सो बिफोर स्टार्ट रीडिंग द बुक वी शेल ऑलवेज नो कि हमें एक्चुअली में इस बुक का पढ़ने का पर्पज या ऑब्जेक्टिव क्या है Usually, ये बुक के पढ़ने का पर्पस और ऑब्जेक्टिव हमें जो हमारे पिछले साल के यूपीएससी के प्रिलिम्स और मेंस हैं उनके क्वेश्चंस देख के अंडरस्टैंड किया जा सकता है उनके क्वेश्चंस देख के एनालाइज किया जा सकता है कि भाई यूपीएससी बेसिकली क्या पूछना चाहता है हमसे हाउ डू वी नो दैट वेरी सिंपल आदि बहुत ही सिंपल सरल तरीका है कि जो पिछले दस सालों में पांच छह सात आठ दस दो तीन साल और भी पीछे देख सकते हैं जो पिछले दस साल के प्रीलिम्स में जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं दिस विल गिव यू एन एब्सोल्युटली क्लियर आइडिया कि उस सब्जेक्ट में हमें पढ़ के क्या सीखना है क्या या क्या याद रखने की जरूरत है

आज एक बार प्रीलिम्स के अंदर देख, देखते हैं कि प्रीलिम्स में कैसे पूछे जाते, जाते हैं और हमें पूरा है कि जब हमें बुक पढ़ेंगे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सो वट एक्जेक्टली वुड बी दी पर्पज स्पेसिफिकली एक बात बताता हूं मैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एनसीआर जिसको जनरली ओल्ड टी के नाम से ज्यादा जाना जाता है ओल्ड एनसीआर

एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी की एंड व्हाई डू आई स्ट्रेस दैट अभी अब हम जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पुराने वाले एमसीक्यू एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सोर्स दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी ने कहां से पिक किया था एंड वी विल सी दैट मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं वो बेसिकली इस ओल्ड एनसीईआरटी से ही आते हैं राइट right? तो ये दोनों बुक रेफरेंस बुक के अलावा हमें यूपीएससी में इतिहास का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री सॉरी एंशियट और मेडिवल के लिए अलग मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसके अलावा और भी कोई और कुछ इससे अधिक आ, किताब या रेफरेंस या कंटेंट पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बाहर नहीं जाना है और बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स नहीं उठानी है हिस्ट्री की हिस्ट्री के लिए जो फोकस रहे वो सिर्फ इस चीज के ऊपर नाउ अगेन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको यह भी बात दिल, दिल, बात दोबारा से बता देता हूं कि एक अगस्त दो से स्टडी आईक्यू का एक लाइव फाउंडेशन बैच बिगिन हो रहा है लाइव फाउंडेशन बैच एज इनकी प्रिलिम्स और मेंस की जो आपकी अगले पूरे साल के अंदर सारी की सारी क्लासेस करवाएगा सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कराएगा थ्रू लाइव क्लासेस सो इट बी अ बैच एन इवनिंग बैच जिसकी क्लासेस शाम को छह बजे हुआ करेंगी तो so, जैसे इस समय आप साढ़े पांच बजे साथ जुड़े हुए हैं आप इस बैच के अगर स्टूडेंट बनेंगे तो आपको शाम को छह बजे आप अपने फोन पर लैपटॉप पर या डेस्कटॉप के ऊपर आप आप उस पूरे के पूरे इन लाइव क्लासेस के द्वारा आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा बोथ प्रीलिम्स के जीएस दोनों दोनों पेपर जनरल स्टडीज और सीसेट का एंड मेन्स के जीएस के जो चार पेपर है के चार पेपर होते हैं मीस में इसमें उन चारों के चारों को सिलेबस को सो इफ यू आर अपेरिंग फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और यू आर प्रिपेरिंग फॉर दिस थाउजेंड ट्वेंटी फोर और आपको एक बहुत ही सुपर स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड करनी है दिस स्टडी आई क्यू बैच इज यू नाउ द बैच इज ट्रीमेंडसली अफोर्डेबल अठारह महीने की इसकी वैलिडिटी होती है बट द कॉस्ट इज ओनली एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन वेन यू यूज द कोड कोड यूज करके कोड यूज़ नहीं करते हो तो बेसिकली अठारह से थोड़ा महंगा पड़ जाता है शो यू कैसे? जैसे आप की वेबसाइट जाएंगे, तो ओपन on आप करेंगे आपके पास पॉपअप मिल जाएगा बैच को ज्वाइन करने का बैच so, वैसे तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का है बट जब आप इसको बाय नाउ करते हो तो यहां पे प्रोमो कोड में यू कैन एक्चुअली पुट दी कोड अमित लाइफ जैसे कि लेट मी जस्ट शो इट टू यू ए एम आई टी एल आई वी ई अमित लाइफ जी ई से नहीं आता है एक्चुअली में वी करना पड़ेगा हमें वी अमित लाइफ एंड यू अप्लाई एंड इट कॉस्ट ओनली एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन एंड देन वी विल बिगिन द प्रिपरेशन ऑफ अवर यूपीएससी की हम अपनी पूरी की पूरी प्रिलिम्स और मेन्स की जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे एनीथिंग एल्स अगर कोई और कंफ्यूजन है और कोई डाउट है तो मुझे इस इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम भी कर सकते हो बट फॉर नाउ लेट अस सी कि यूपीएससी पिछले दस सालों में कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछता है स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री से नाउ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको पता होगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि सत्रह के 1750 इसके बाद का जो समय है उसे आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री इससे पहले का जो है 1750 से पहले पहले का जो है उसको मेडिवल हिस्ट्री के अंदर काउंट किया जाता है सेवेंटीन हंड्रेड एक्चुअली में टू बी मोर प्रोसाइज 1700 से पीछे मेडिवल इंडिया और 1700 के बाद मॉडर्न इंडिया का जो इतिहास हो जाएगा ठीक है सो so, आज हम क्वेश्चंस जो जो करेंगे सत्रवीं Uh, शताब्दी अठारवी शताब्दी के बाद के क्वेश्चन होंगे ठीक है तो आज क्वेश्चन करते हैं चलिए आप कमेंट्स में आंसर दे दीजिएगा क्योंकि मुझे आपसे आज चेक करना है कि आप कितने ज्यादा इसमें एक्टिव हैं और कौन कौन पढ़ना चाहता है इतिहास को सो लेट्स एक्ट नाइनटीन हंड्रेड नाइन एक ए, है एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1919 में आया था मॉन्टेकते ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट वु इंटू द रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स इसमें से कौन कौन से रिजर्व सब्जेक्ट थे नाउ इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल सही मान रहे हो ये बेसिकली क्वेश्चन पता है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल सेवन के अंदर एक लिस्ट बनाई हुई है तीन यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और उसके बाद एक कंकरेंट लिस्ट तो अलग अलग यूनियन की पावर्स के जो सब्जेक्ट है वो उसकी लिस्ट में लिखे हुए स्टेट के अलग में लिखे हुए कंकरेंट लिस्ट के अंदर अलग सब्जेक्ट है कुछ उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है नाउ

स्क्रीनशॉट है उस किताब का नाउ कैन यू प्लीज टेल मी देंसर फॉर इट अब तो मेरे हिसाब से बहुत ही सरल सा आंसर रह जाएगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड एज द रिजर्व सब्जेक्ट अगर आप में से किसी ने देखा नहीं है तो रिजर्व सब्जेक्ट वो है जैसे कि फाइनेंस एंड लॉ फाइनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार से इन दोनों को रिजर्व सब्जेक्ट कहा गया है और यहां पर पूछा भी गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट सो पुलिस को छोड़ के आई थिंक पुलिस को छोड़ के बेसिकली सारे के सारे जो है सी वन थ्री एंड फोर वन थ्री एंड फोर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को छोड़ के ये सारे के सारे जो है रिजर्व सब्जेक्ट्स थे नाउ इडिया आज हमारा फोकस इसी चीज के ऊपर रहेगा कि बेसिकली ये जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ये आते कहां से हैं फॉर नाउ आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू शो इट टू यू कि कैसे एनसीआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं लेट्स गो फॉर द द सेकंड वन कंसीडर फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स कुमार घोष पहले हो गए जोगेश चंद्र चटर्जी दूसरे हो गए राश बिहारी बोस दूसरे हो गए। ये दो हजार बाईस के हम इस समय जो इस बार बाईस के प्रलिम्स में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे दो हजार इक्कीस वाले दो हजार इक्कीस वाले में, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे वी आर डूइंग दिस वन ठीक है कंसीडर द फॉलोइंग बरिंद्र कुमार घोष जोगेश चंद्र च... 2022 वाले में 2022 में हाँ इसी साल जो हुआ था उसमें वरिंद्र कुमार राज बिहारी घोष विच ऑफ दी अबव एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी नाउ आंसर किस किस को पता है इसके बारे में मुझे है. मैं इसको आपको आंसर बताने से पहले मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं एनसीआरटी ड बाई द गदर पार्टी एंड विदेश एट बालासोर राश बिहारी बोस राजा महेंद्र प्रताप देर आर सेवरल नेम्स अगेन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नाम याद रहेंगे बट क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इवन दो इट माइट सीम वेरी डिफिकल्टी गार्टी से राश बिहारी बोस का क्या एसोसिएशन था ना द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल इन तीनों के तीनों फ्रीडम फाइटर्स में से सिर्फ राज बिहारी बोस ही है जो कि बेसिकली गदर पार्टी से एसोसिएटेड है गदर वर्ल्ड वॉर वन के समय में एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी वो फ्रीडम uh, फाइटर्स की उसी के अलग अलग मेंबर्स का नाम हमें इन जनरल याद करना तो होता ही होता है बट यहां पर क्लियर कट दिया भी हुआ है सो ऑल दीज नेम्स में से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है अब्दुल रहीम मौलाना ओबाइदुल्ला सिंधी चंपक रमन पिल्लई सरदार सिंह राणा मैडम कामा द प्रोमिनेट इंडियंस हु कैरीड ऑन द रेवल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड प्रोपोगेंडा आउटसाइड इंडिया और ये काम किया करती थी गदर पार्टी सिंपल बात है बिल्कुल सरल है नॉट अ प्रॉब्लम विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन के प्रपोजल में दो प्रपोजल है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट दोनों के दोनों नॉमिनेटेड होंगे दिस इज द कैच ये कीवर्ड है इसके ऊपर ध्यान देना दूसरा एनी प्रोविंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करने का

हैड दैट डेमोक्रेटिक नेचर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस समय जो उस समय का जो भारत था उन्नीस का भारत दो प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स uh, में बटा हुआ था एक तो जो अंग्रेजों के बीच में ब्रिटिश प्रोविंसेस थे अंग्रेजों के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में थे और दूसरा जो प्रिंसली स्टेट थे जो कि राजा महाराजाओं के अंडर थे तो जो ये ब्रिटिश प्रोविंसिस थे यहां पर प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हुआ करते थे

कोशिश मत करो इट इज इनिवेंट टू राइट नाउ ये क्वेश्चन तो आ चुका है हमारा जो मेन फोकसटैंड ऑफ दूपीएससी एग्जामिनर वट वॉज ही ट्राइंग टू टेल यू और एसक यू फ्रॉम दिस ताकि जब हम सीआरटी हम पढ़ेंगे जब हम उसमें क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्रिप्स मिशन पे और भी क्वेश्चन आए हैं और क्रिप्स मिशन पे और भी क्वेश्चन आते रहेंगे ठीक है क्रिप्स मिशन एक इंपॉर्टेंट मिशन है कैसे पता चल रहा है हमको हमें ऐसे पता चल रहा है क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने प्रम्स में उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार पूछा है अगले साल दोबारा से पूछते हैं ये दोबारा से देखो मैं दिखाता हूं आगे आगे विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ये स्टेटमेंट है डच स्टैब्लिश दियर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड बाईन गजपति रूलर्स

एनसीआरटी uh, हमें पहली क्लियर कट दे रही है कि पंद्रह में विजयनगर किंगडम ओवरथ्रो कर दिया गया था नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट कि 1565 ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्चुअली मेड इन 1600 राइट थर्टी फर्स्ट डिसंबर दैट इज वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड तो विजयनगर एम्पायर जो कि इससे पैंतीस साल पहले ओवरथ्रो कर दिया गया था हाउ डू यू थिंक विल एक्चुअली डील विद अब अगर मैं थ्री वैसे ही डेजिग्नेट कर देता हूं तो डोंट यू थिंक वी ऑलरेडी हैव द आंसर फॉर इट अब यह क्वेश्चन आपको ध्यान से नाउ लिसन टू बी वेरी केयरफुल देर इज द रीजन वाई दिस क्वेश्चन वॉज गिवन टू क्रिएट पैनिक इन यूर माइंड राइट नाउ उस समय एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए डर होना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट के दिल के अंदर क्यों क्योंकि जब इस क्वेश्चन को देख के दिल दहल जाएगा अच्छी तरह से दहलेगा भी बनता भी है इससे दिल दहलने वाला है तब उस समय हम कोई भी क्वेश्चन मतलब बेसिकली वी वोंट बी एबल टू सॉल्व इट और भी क्वेश्चन हमसे बेसिकली सॉल्व नहीं होंगे बट थिंक अबाउट इट एक छोटी सी माइनर सी इंफॉर्मेशन देखने के बाद वी आर मोर और लेस एबल टू डू इट नाउ देर इज अनदर एल्स एक और क्वेश्चन देखिए It was easy to appeal to their greed or overawed them with arm strength. The English opened their first factory in south at Masuli Patanam in 1611. और धीरे-धीरे उन्होंने uh, the local raja in 1639. Madras was then a strip of coastal ministry. तो पहली जो uh, दक्षिण में English, East India Company की जो factory थी वो Masuli Patanam में थी, लेकिन 1639 में उन्होंने Madras के पास बोली थी। सवाल ये है कि जो ये local raja है इसका विजयनगर किंगडम से कोई रिलेशन है या नहीं है दैट माई फ्रेंड इज बेसिकली द ट्रिक हियर क्यों क्योंकि विजयनगर एंपायर से नहीं रादर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर से इवन दो एक एंपायर कंप्लीटली डेसीमेट हो चुका होता है लेकिन उस एम्पायर की जो लेगेसी है वो थोड़ी और दूर तक चलती है द प्रॉब्लम इज दैट कि दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट द रीजन वाई आई डिस्कस इज दैट बिकॉज सेवरऑल ऑफ द स्टूडेंट लास्ट ईयर वेन आफ्टर केम होम सॉल्विंग दिस दिस इज द आर्ग्यूमेंट द गिव कि सर आपके सिखाए गए लॉजिक पे हमने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया था तो फिर बेसिकली हमारा आंसर जैसे गलत कैसे हुआ लेकिन आंसर इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे जो एक छोटा सा ट्रिक था रिप्रेजेंटेटिव ये हमारी एनसीआर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और ये थी छोटी सी डिटेल को करना भी ऑलमोस्ट मुश्किल था सो वी गॉट द ट्रिक कि अगर हमें आ गया है तो हम इसको ऑटोमेटिकली कर ही सकते हैं बट लकीली इनफ यहां पे देखिए डच एस्टैब्लिश देर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन को लैंड ग्रांटेड बाई गजपति रूलर्स एक्चुअली में स्टेटमेंट वन रॉन्ग है और आंसर है इसका बी टू एंड थ्री दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है दीज आर टू राइट स्टेटमेंट्स थैंक गॉड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिली मिस्टेक्स कैसे होती हैं चलिए ये आंसर हमें पता चल गए थोड़े से और पीछे जाते हैं 2021 में कुछ नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज थी यानी चेंज थी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्री और फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो वो यहां पर फैक्ट्रीज डालती थी फैक्ट्रीज प्रेजेंट डे जो फैक्ट्रीज होती है वैसी नहीं मतलब एक प्रकार का वेयर हाउस जो होता था ठीक है वेयर हाउस जहां पर सामान अपना रख सकते थे रॉ मटेरियल रख सकते थे जहां से शिप में ट्रांसफर किया जा सकता था उस चीज को फैक्ट्री कहते थे, थे उस समय वो तो कहां, कहां पर बनी यू विल बी लाइक कि सर सारी याद करनी है, है? हमें कैसे पता बरोच में है कोले में है या त्रिकिंपोली में है एनसीआरटी का स्क्रीन शॉट है ये ट्वेल्थ क्लास की एनसीआरटी मॉडर्न इंडिया का बाई सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री दे है सूरत ब्रोच अहमदाबाद आगरा मसूली पटनम एंड होल्ड ऑन फॉर जैक यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से देखो एक बार फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी यानी कि सत्रह सो से लेके सत्रह सो पच्चीस तक सोलह सौ से लेके सोलह सौ पच्चीस तक दैट इज दिन सेंचुरी ना

एनसीआर एनसीआरटी तो आंसर देख लिया चीका कोले लिखा हुआ है वहां पे ना पोली लिखा हुआ है वी हैव ओनली वन आंसर सिर्फ ब्रोच था सो वी गॉट आई होप सो यू न्यू दैट चलिए सो वी गॉट दिस राइट मतलब हमारे पास एनसीआरटी है और एनसीआरटी के अलावा हमें बेसिकली कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है दिस इज जस्ट टू अश्योर यू कि हमारी जो ओल्ड एनसीईआरटी की किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो कंप्लीटली इनफ है हमारे प्रिलिम्स और मेंस को हैंडल करने के लिए मतलब दे आर पिकिंग अप द लैंग्वेज ये 1623 लिखा हुआ था तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ सेवनटीन सेंचुरी कर दिया उसने चलिए विद रेफरेंस टू मदना पल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश इसमें से कौन सी स्टेटमेंट अच्छी है ये आंसर मैं पहले देखूंगा जिस जिसने बताया आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि कौन बच्चा है इसमें से जो इस बात को बता दे मुझे जस्ट टेल मी आंसर ऑफ दिस दिस बिकॉज इज सो इंटरेस्टिंग इन द सेंस स्पेक्ट्रम में भी है शशांक मिश्रा कह रहे हैं कि सर ये चीज स्पेक्ट्रम में भी दी गई है <laughs> बेटा ये हर हिस्ट्री की किताब में दी है <laughs> ये तो इतिहास है तुम्हें तो क्या लग रहा है कि स्पेक्ट्रम कहां से बनी है स्पेक्ट्रम भी बेटा इसी के नोट्स नोट से. ओल्ड इसके नोट हैं। क्या स्पेक्ट्रम तुम्हें क्या लग रहा था कि स्पेक्ट्रम अपना अपना खुद का पर्सनल इतिहास लिखा हुआ उन्होंने यहीं से लिखा हुआ भाई वो यहीं से कॉपी पेस्ट है वट आर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम आर द नोट्स ऑफ राजीव वही आईपीएस जो है उनके नोट्स हैं उनके नोट्स नोट कहां से बने थे ओल्ड एनसीआरटी से अच्छा दिस इज इस इंटरेस्टिंग इसका जवाब दो यार ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एंड नाइल टेल यू समथिंग ठीक है इसका आंसर है सी ठीक है तो तुम याद करके बैठे हो ये बच्चे हैं जो कि देख दाख के बैठे हुए हैं बट यू नो वट इज मच मोर इंटरेस्टिंग अबाउट द आंसर मदन पल्ले आंध्र प्रदेश में वो जगह है जहां पे रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था सर ये कैसी इंफॉर्मेशन है इसको कहां से याद करेंगे जनगण मन वॉज ट्रांसलेटेड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन फेब्रुवरी नाइनटीन एट मदनपल्ले इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर ये एनसीआरटी की छठी क्लास की एनसीआरटी के सामने फर्स्ट पेज पे नेशनल एंथम दिया हुआ है इवन बिफोर दी चैप्टर वन बिगिन चैप्टर वन स्टार्ट होने से पहले उस नेशनल एंथम के यहां पे ये डिटेल दी हुई है हाउ इट राइट

ज पर्पस? ये क्वेश्चन देखते ही ना यू नो इन योर हार्ट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसको कौन करता है तो पॉसिबल ही नहीं इतनी को, I don't think so, sir, ये है इम्पॉसिबल है यूपीएससी इज नॉट गोइंग आउट ऑफ एनसीआर इवन दोन एब्सर्ड क्वेश्चन जिसको देख के लगता है टेल मी हाउ इट वॉज नॉन प्रेपेबल जब एनसीआरटी के पहले पन्ने पे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही लिखा हुआ था वाइड चलिए स्टेटमेंट जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ हैजुइट ऑर्डर इसको हेजुइट कहते हैं आई डूंट नॉट नो वाई इसको हैसुइट कहते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देर द फीस ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवाईर आई एल वी हॉन एस विद्यू वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन राइट तो जो पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियंस है फर्स्ट चैप्टर होता है मॉडर्न हिस्ट्री का पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट उससे बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं ठीक है चार या पांच साल में एक आदो क्वेश्चन आता है और एक आ गया जो कि इतना ही डिफिकल्ट था मतलब इतना आसान क्वेश्चन नहीं था आए दो कब आए 2021 में आए क्वेश्चन ठीक है टू में एंड इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई देवे इसका आंसर बता दीजिए चलिए Uh, let's not play a long, a here. इसका आंसर करके चलते हैं। C का one and three है। इसका कोई इलाज नहीं है। NCERT में दिया हुआ है कई झेंगे पर। देखिए मैं दिखाता हूँ। In 1542, the Jesuit priests Saint Francis Xavier arrived in Goa and thus the era of the evangelization began. Again, the purpose here is to show that even though the question might seem very out of the box, very difficult, something which we have not heard earlier, but it's right there somewhere in our NCERTs. Sometimes old, sometimes new। Karni dono ki dono hai.

दिखाऊं मैं कहां पे दिया कहा एनसीईआरटी में दिखाता हूं ओल्ड एनसीईआरटी खोलोगे तो एडविक मोंटेग तो और ये पैराग्राफ मोंटेग रिफॉर्म्स को डिस्कस करता है यहां पे सबसे पहले लास्ट लाइन लिखी हुई है द राइट टू वोट वाज सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड इन 1920 पूरे के पूरे देश में नौ कितने नौ लाख नौ हजार आठ सौ चौहत्तर लोअर हाउस के लिए वोटर थे और सत्रह हजार तीन सौ चौसठ अपर हाउस के लिए वोटर थे तो सारी की सारी महिलाएं इक्कीस साल से ऊपर की वोट स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली सेट्री सेकेंड दो आई डोट है स्क्रीन शॉट बैठ गारेटी देता हूँ एनसीआर खोल के देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव में किस किसके लिए सीट रिजर्व थी वीमन के लिए थी वो कंप्लीटली बहुत ही क्लैरिटी एनसीआर इज ऑब्स टू ऑन दिस इज एन अब्सर्ड स्टेटमेंट दिस इज टू प्रोग्रेसिव फॉर नाइनटीन ट्वेंटी इक्कीस साल की सारी की सारी महिलाओं को बेसिकली वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए दिस की द नेचर ऑफ दिस स्टेटमेंट शेल कंफ्यूज यू रियली एज ऑफ ट्वेंटी वन मतलब अच्छा इफ दिस वु ट्रू यूड नोन इट यू अंडरस्टैंडिटी ऑफ दमेजिंग स्टेटमेंट है कि आपको ना पता रहती सबके सब हर किताब में आपको बता दिया अरे मॉन्टेटी नाइनटीन में वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार मिल गया था जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था ये तो ऑलमोस्ट सो नो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल यू कैन डू इट विदाउट विद समॉजिक इसको दिमाग लगा के किया जा सकता है तो ठीक है नॉट प्रॉब्लम लेट्स गोड एट ऑगस्ट नाइनटीन हंड्रेड दिस इज ईजी थ्री इजी आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन को कोई अप्रिशिएट करना चाहिए सीधा सीधा क्वेश्चन है आठ अगस्त उन्नीस सौ बयालीस को क्या हुआ था ओके आई थिंक सो आंसर दिखाऊं आपको बिफोर यू आंसर लॉन्न फॉर सेक ये एनसीआरटी है

पॉइंट ऑफ नाइनटीन फोर्टी टू इन इंडियन हिस्ट्री इज क्विट इंडिया मूवमेंट किस चीज़ के लिए पॉपुलर है आप हिस्ट्री पढ़ते वक्त कौन सा चीज कौन मतलब कौन सा ईयर किस चीज के लिए पॉपुलर है याद कर लो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन होते जाएंगे नाइनटीन फोर्टी थ्री बंगाल फैमिली के लिए राइट नाइनटीन थर्टी नाइन वर्ल्ड वॉर टू के लिए नाइनटीन थर्टी फाइव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए नाइनटीन ट्वेंटी नाइन पून स्वराज के लिए नाइनटीन नाट सेवन सूरत स्प्लिट के लिए 1905 बंगाल पार्टीशन के लिए यू शुड जस्ट नो दैट पर्टिकुलर इंडल गुड टू गो यहां पे अगर सिर्फ और सिर्फ इतना पता हो ना कि क्विट इंडिया मोवमेंट 1942 तो में हुई थी मतलब जजमेंटल कॉल लिया जा सकता है कि और क्या ही पूछेंगे वट एल्स आर दे गो नोटल वैसे भी एनसीईआरटी बहुत क्लियर से दिया तो आई होप यार ये क्वेश्चन पे तो मत बोलना कि सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट था

क्वेश्चन नॉट इवन अकेट फॉर दिस वीर डुइंग हिस्ट्री वी आर डूइंग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंड वी आर ट्राइंग टू सी यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वी विल ट्राई टू एनालाइज हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए कैसे कैसे पूछे गए वट इज दर्पस ऑफ एस्किंग दीज क्वेश्चन बट वन थिंग विच वी हैव सेटल्ड बाय नाव क्वेश्चन सारे एनसीआरटी से राइट दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम सॉरी पीछे जाते दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीआर नो डाउट अबाउट इट ये जो क्वेश्चन है ये एनसीआर से है ये मॉन्टेक चैंसोड वाला एनसीआर टी से है ये फ्रांसिस जेवियर वाला जो कि सुनने में पहली बार जिंदगी में सुना होगा इस सेंट का नाम लेकिन एनसीईआरटी वाला याद भी निकला ये रविंद्रनाथ टैगोर वाला काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट बट इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ द दिक्स क्लास है छठी सातवीं क्लास के एनसीईआरटी में है यार सामने हर जगह जनगणन मन दिया हो उसके नीचे साफ साफ बता भी रखा है एक ही सेंटेंस था मतलब जिसको ये याद ना हो फिर उसको फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे या नहीं कर रहे हु अमंग फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद दी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन अ ट्रांसलेन ऑफ एंशियट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश

यार इनको बोलते हैं शायद अब यही करती है कविताएं तो बट हावेवर इट वॉज महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी को कई बार जेल हुई थी स्पेसिफिकली एक हुई थी 1922 में सेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत तो इन्होंने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ठीक ठीक है है फरवरी फरवरी 1922 को 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 चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था था और 12 इन्होंने नॉन मूवमेंट वापस ले लिया था, तो जैसे ही अंग्रेजों ने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस हो गई है तो इनको मार्च में गिरफ्तार कर लिया और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया सडिशन का अंडर सेक्शन वन है तो जज ने इनसे पूछा कि आपको जेल करेंगे जो बोलता है जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी कर दो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है तो इनको जेल कर दी गई थी उन्नीस सौ बाईस से उन्नीस सौ चौबीस फरवरी तक दो साल के बाद इनको छोड़ दिया गया था ही वॉज ए पॉलिटिकल प्रिजनर्स और इनकी हेल्थ खराब हो रही थी तो ही वॉज लेफ्ट की कहीं जेल में मर गए तो आ, मतलब क्या नाम है वायलेंस हो जाएगी देश के अंदर तो नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी फोर में छोड़ दिया तो उस समय में ये गा, ये मतलब इन्होंने एंशंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स को ट्रांसलेट कर दिया जिसको एक पुस्तक में लिखा गया है उसका नाम है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन बाय दी मोहनदास करमचंद गांधी एक तो मोहनदास करमचंद गांधी से एसोसिएटेड जो चीज आर्बिट और रैंडम से रैंडम चीजें अगर कहीं देखो तो याद कर लो इस आदमी के क्वेश्चन आते हैं एथिक्स में इसके कोट आते हैं एथिक्स में इसके कोट से ज, uh, क्या नाम है कंक्लूजन लिखने हैं और प्रीलिम्स में इससे संबंधित कोई भी बात uh, याद करनी चाहिए जरूरी है ठीक है चलिए इन द कॉन्टेक्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान प्रेम कुमार सहगल गुरबक्श सिंह ढिल्लो इज रिमेंबर्ड एज डू यू डिड यू जस्ट रियलाइज वट वट इज हियर तीन नाम है अलग अलग जान के ऐसे हैं ये इतफाकन नहीं है शाहनवाज खान प्रेम कुमार सहगल सिंह ढिल्लो, मुस्लिम हिंदू और सिख डू यू थिंक इट इज एक्सीडेंटल लोगों के नाम है कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और वो अलग अलग हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं वाई हाउ ऐसा कैसे हो सकता है तीनों इकट्ठे एक साथ कैसे फंस गई है मुस्लिम हिंदू और सिख किस लिए हैं अगेन फिर दोबारा से किताब पे जाएंगे हम अपनी ओल्ड एन की तरफ आई शो यू

वेन यू विल स्टडिंग हिस्ट्री डोट यू थिंक वी शुड सडनली गेट फैसिनेटेड बाई दिस कॉन्ट्रास्ट की तीन लोगों को ट्रायल में रखा गया इंडियन नेशनल आर्मी के और तीनों के तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दैट इज नॉट एक्सीडेंटल और वो चीज तो मतलब पॉप आउट होनी चाहिए इस तरीके से हिस्ट्री पढ़नी हमें क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए क्यों हुआ है शाहनवाज खान प्रेम कुमार सहगल गुरबख्त सिंह ढिलो अचानक से तीन डिफरेंट डिफरेंट नेम

एक केस था बड़ा पॉपुलर केस था रखम बाई एक महिला का नाम है किस केस में था विमेन्स राइट टू तो एजुकेशन से संबंधित एज ऑफ कंसेंट से संबंधित रेस्टिट्यूशन राइट से संबंधित ठीक है है अच्छा एक, मुझे प, अगर नहीं आता है, तो एक, गैस, एक जस्ट 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 रन योर घोड़े अपने दिमाग के एक्चुअली मैं जब भी हॉर्से बोलता हूं तो मुझसे गलत प्रोनाशिएशन होती है हॉर्स और हॉर्स मैं आई एम ऑलवेज कॉन्शियस व्हेनेवर आई से द वर्ड हॉर्स हॉर्स हो जाता है या हॉर्से हो जाता है इट इज क्वाइट एक्चुअली कंफ्यूजिंग फॉर मी देर इज को कभी भी मास्टर नहीं कर पाया है हाउ टू से हॉर्स हॉर्स हॉर्सेज रन योर हॉर्सेज ऑफ योर माइंड देखो अच्छा अपने घोड़े दिलाओ दिमाग के तो तुम देखोगे ये जो दोनों वर्ड है ये दोनों जो है कॉन्से काम सेम चीज है ऑलमोस्ट मतलब एज ऑफ कंसेंट सेक्सुअल रिलेशन से एसोसिएटेड कंसेंट है कोई और कंसेंट तो मांग नहीं रहे हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट दे बोथ आर एसोसिएटेड विद ईच अदर हाइपोथेटिकली देखते टू एंड थ्री किस किस में है टू एंड थ्री सिर्फ इसिस में है राइट right, इन दोनों में एंड दिस इज डिफरेंट वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन कंप्लीटली डिफरेंट है अगर कोई केस होता है ना तो पर्टिकुलर किसी एक उसमें होता है डोमेन में राइट? सो एनी केस विच विल बी कंसेंट और कंजुगल राइट का होगा तो मोस्ट मोस्टली वो उस समय एजुकेशन वाला मुद्दा नहीं होगा हाइप पे राइट right? एक ही चीज तो हो सकती है या तो कंजूगल राइट पे ऊपर मतलब किसी प्रकार का डिबेट रहा होगा या फिर एजुकेशन के ऊपर डिबेट रहा होगा अब वन ओनली कहीं पे भी नहीं है यू कांट चूज ओनली वन एंड द पॉइंट इज दैट कि वन इनमें से किसी के साथ कोलेट नहीं हो रहा तो जहां जहां पे वन है ना वो ऑटोमेटिकली आंसर से कट जाना चाहिए क्योंकि तुक्का भी मारोगे ना अगर जजमेंटल और स्मार्ट गैस करना है तो तुम सोचो ना यार एजुकेशन और कंजुगल राइट का कोई खास रिलेशन है नहीं ना खासकर से एटीन में तो कोई होना भी नहीं था सो वन के नॉट बी कोलेटेड विद एनी ऑफ दीज टू तो जिसमें वन है ना लेट करने की कोशिश की गई है वो तो नाइनटी मतलब तो अगर नहीं आता है तो आता है तो साफ साफ क्लियर कट है हमारे पास आंसर टू एंड थ्री है एज ऑफ कंसेंट और कंजुगल राइट से बट इवन इफ यू नो इट यू कुड हैव इट सच बताओ कर कर सकते सकते थे थे या नहीं है स्मार्ट गेसिंग आइडिया है नहीं जजमेंटल कॉल लिया जा सकता था या नहीं लिया जा सकता था? लिया जा सकता था आई वु सोल्व इट जस्ट लाइक दिस आई एक्चुअली डिड सॉल्व इट जस्ट लाइक दिस सिंपल तरीका है ना uh, मैं आपको एक बता ऑनेस्टली एक बार बताता तो, हूं यूपीएससी okay. के एटलीस्ट पांच से दस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व राइट देयर इन एग्जामिनेशन सोलली बाय रीडिंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन मतलब क्वेश्चन को अलग से बार बार पढ़ते रहो बार, बार पढ़ते रहो बार, बार पढ़ते रहो बार -बार तो तुम इसको सॉल्व कर दोगे तुम्हारा दिमाग ना ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक डिजोनेंस है इसके अंदर एक जो ट्रिक यूपीएससी एग्जामिनर ने डालने की सोची है वो उसको सोच लेगा ढूंढ लेगा स राइट टू गेन एजुकेशन और कंसेंट और कंज्यूगर राइट इसमें से कौन सी चीज साथ आने की संभावना रखती है एक अच्छा यह भी हो सकता था यह क्वेश्चन पता कब डिफिकल्ट होता अगर यहां पर ओनली वन होता फिर तुम गए थे अगर नहीं आता तो फिर तुम गए कि भाई ओनली वन है तो वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन भी हो जा सकता था बट यूपीएससी गेव यू एन ऑप्शन की अगर तुमने दिमाग लगा दिया तो यू आर फ्री टू डू इट इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया ट्वेंटी सेंचुरी बिकॉज उन्नीस सौ के बाद से इंडिगो कल्टीवेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई अब इंडिगो के ऊपर बहुत कलेश हुए इतिहास में देखेंगे तो इंडिगो रेवल्यूशन तक हो रखी है इंडिगो बहुत जरूरी होता था इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन होने लगी तो ये अंग्रेज जो थे ये कपड़ा बनाने लग गए थान बनाने लग गए टेक्सटाइल मिल्स इनकी चलने लग गई तो वहां पर रंग के लिए जरूरत पड़ती थी इंडिगो की सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ एटीन नाइनटीन सेंचुरी यूज टू रन ऑन द इंडिगो बहुत जरूरत होती थी इसकी उनकी मशीन्स को तो इंडिया से ये इंडिगो कल्टीवेट कराते थे, थे तो और वहां यूरोप ले जाते थे यही काम था इनका ठीक है लेकिन अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया लॉजिक जस्ट टेक लॉजिक एंड इट विल बी डन इट्स अन प्रॉफिटेबिलिटी इन दी वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन डेढ़ सौ दो सौ सालों में कोई भी चीज नई इवॉल्व कर जाती है और पुरानी चीजें मतलब अब नोकिया से हम आईफोन पे आ गए हैं सिर्फ पंद्रह सालों में दस सालों में तो ये तो डेढ़ सौ साल पुरानी चीज थी इंडिगो अनप्रॉफिटेबल हो गया था नाइनटीन सेंचुरी में सामने ही लिखा हुआ है पढ़ते वक्त पता चल जाएगा नथिंग स्पेशल अबाउट इट ठीक है नथिंग स्पेशल अबाउट इट वेल्सली वेल्सलीस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता तो लॉर्ड वेल्सली हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय भारत के उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया क्यों एज यूजल ले मी शो यू क्या लिखा भैया वेल्सली देअर फॉर एस्टेब्लिश द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम एट कैलकटा फॉर द एजुकेशन ऑफ यंग रिक्रूट्स टू द सिविल सर्विस डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को यह बात पसंद नहीं थी और उन्होंने 1806 में अपना खुद का ईस्ट इंडियन कॉलेज बना दिया हेलीबेरी इंग्लैंड में अगले साल ये इंफॉर्मेशन पूछेंगे देख लो मैं पहले बता रहा हूं एक बार वेल्सली से पूछ लिया कि उसने फोर्ट विलियम क्यों बनाया था वॉन्टेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है और एनसीआरटी में लिखा हो इससे ज्यादा क्लैरिटी से और कोई लिख के देगा बताओ तो अब इस क्वेश्चन को भी अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम नहीं कर पाए तो ये तो शर्म की बात है जो सामने सामने चीज़ लिखी हुई है देखो जो घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आए वो तो मैं मानता हूं कि चलो ना भी हो पाएगा ठीक है परंतु ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में सामने जीवन में विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कुछ हो गया इज द फॉलोइंग इवेंट्स लॉजिक लगाते हैं 1857, क्या, क्या है यह तुमने सुना है सिपाही विद्रोह सिपाही म्यूटिनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है इसके ऊपर इतनी मूवीज बन चुकी हैं कि अगर उलुगुलन इससे रिलेटेड होता तो यू वुड हैव ऑलरेडी नोन अच्छा ये जो प्रिंसिपल है ऑलरेडी नोन का ये हर जगह नहीं चलता है, बट फिर भी सोच के देखो अगर होता ना तो पता होता हमें कैसे पता है कि उसको सिपाही म्यूटिनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं क्यों पता है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है वो पता चल जाएगा तो ये तो नहीं है अब यहां कंफ्यूजन हो सकता है बहुत ही सरलता से लेकिन यहां पे भी एक एक्स्ट्रा लॉजिक बताऊ क्या लगा सकते थे उलगुलन जो वर्ड है ना वो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जो है वो ट्राइबल लैंग्वेज है रादर फार्मर या पेजेंट लैंग्वेज तो ये जो इंडिगो रिवोल्ट है ये किसने की अब अच्छा इंडिगो रिवोल्ट इंडिगो कौन करेगा पेजेंट्स ना जो फार्मर्स होंगे जो उगाई करेंगे वो रिवोल्ट होगा इंडिगो वही करेगा uh, मापिल्ला रिबेलियन अगेन इट्स ए पेजेंट पेजेंट बिरसा मुंडा जो है वो ट्राइबल रिवोल्ट है हम दो प्रकार की मूवमेंट्स पढ़ते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री में पेजेंट मूवमेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स राइट सो आप कभी भी लॉजिक लगाओगे कि पेजेंट और ट्राइबल में फर्क क्या होता है तो यू विल बी एबल टू इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस दिस थिंग्स कि वाई पेजेंट एक आदमी जो कि खेती करने की कोशिश कर रहा है वो अंग्रेजों के अगेंस्ट क्यों रिवोल्ट कर रहा है देन देर आर ट्राइबल्स ये अंग्रेजों के अगेंस्ट क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं इन दोनों का पर्पस अलग होगा रिवोल्ट करने का दोनों के ऑब्जेक्टिव भी अलग होंगे एक जो ट्राइबल होगा वो कोशिश कर रहा होगा कि जो भी अंग्रेज फॉरेनर्स हैं ये मेरी जमीन में ना आए तो जब जमीन लेने की कोशिश करेंगे अंग्रेज जब फॉरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे ट्राइबल रिवोल्टिल है फार्मर जब टैक्स ज्यादा होगा उगाही का उनसे जबरदस्ती इंडिगो उगाई जाएगी तिनकटिया सिस्टम जो होंगे रायत वाली सिस्टम जो होंगे उस समय पेजेंट रिवोल्ट करेगा तो ये वर्ड जो है ना इस वर्ड को मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली साइंस बट अगर इस वर्ड को सुनोगे ना तो ये वर्ड ट्राइबल वर्ड ही होने की संभावना है फोर्थ आंसर है इसका डू यू अग्री कि क्वेश्चंस जो हैं वो एक्चुअली में बड़े सारे से क्वेश्चन इस लॉजिक से करने पड़ेंगे करने पड़ेंगे इस लॉजिक से वरना नहीं हो पाएगा

1850 तक इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी अब मैं इसलिए बता रहा था कि ये जो question है किस्ट हाफ मेनी इंडिया में कब आई 1853 के बाद this is a ट्रू स्टेटमेंट however ये जो word है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है तो ये इसीलिए कट जाएगा दो ये काफी वैलिड स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में एंड कुड हैव बीन आंसर अगर वहां पे लैंग्वेज कुछ और होती तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई भारत में उसका क्या इंपैक्ट आया उसका इंपैक्ट ये आया कि इंडियंस हैंडीक्राफ्ट्स वर रिवेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मशीन से बना हुआ कपड़ा मशीन से बना हुआ आर्टिसन और जो हैंडीक्राफ्ट आ गए तो आट हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे हाथों से जो चीजें बनती थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगी क्योंकि पूरे के पूरे मार्केट में सस्ता माल हो गया मशीन्स फॉर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंड नो इंडियन टेक्सटाइल्स के अंदर किसी प्रकार की मशीन नहीं आई हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश नो बल्कि रादर ब्रिटिश मैनुफैक्चर के जो इंपोर्ट थे उसके लिए तो ड्यूटीज कंप्लीटली खत्म कर दी गई थी दैट इज हाउ दे एक्सप्लोइेड अस इकोनॉमिकली सो नथिंग साइंस कोई बड़ी बात नहीं है रेफरेंस टू द बुक देशर कथा रिटन बाय शाकार गणेशमेंट नहीं आता नाम सुनकर ही नहीं आता कोई समस्या की बात नहीं आंसर करके देखते हैं चलो इट वॉन्ट अगेंस्ट दॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कॉन्क्स्ट ऑफ माइंड इट इंसपायर्ड दर्फॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड दोक सॉन्ग्स द यूज ऑफ देश बाई दॉज इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल क्वेश्चन कैनॉट भी सोल्व बाई लॉजिक और इवन बाय लीप ऑफ लॉजिक ये क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है थर्ड गलत है uh, उन्होंने uh, देशर कथा के अंदर जब वर्ड देश का वर्ड देश का वर्ड होता है वो एज अ नेशन नेशन की तरह यूज होता है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा ऐसे देखिए साकार गणेश जो दुवेस्कर थे वो श्री औरबिंदो के साथ यूजअली उनके कॉन्टेक्स में जब और घोष के कॉन्टेक्स में पढ़ोगे तो उसको आप मतलब uh, बेसिकली उसके कॉन्टेक्स में इनको पढ़ा जाता है इनकी एक बुक है देशर कथा

साकाराम पहला आदमी था वॉज फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग द नेम ऑफ स्वराज स्वराज जो ये वर्ड है ये सबसे पहले साकाराम साकार ने दिया था एंड श्री और बिंदो वॉज फर्स्ट टू रिलेटेड विद द इंग्लिश इक्विलेंट इंडिपेंडेंस तो स्वराज और इंडिपेंडेंस एक दूसरे के सिनोनिम है हाउ डिड दिस कम बाय दिस साकाराम दुएसकर तो स्टेटमेंट थ्री नॉट करेक्ट है क्यों क्योंकि वो जब देश को बोलते हैं ही यूज देश टू मैंशन नेशन रादर देन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रीजन ऑफ बंगाल कई बार जैसे आपने सुनिए जैसे कभी कभी बिहार में या झारखंड में आ, अगर कोई बाहर चला जाता है मुंबई या क्या कहते हैं दिल्ली वेली चले जाते हैं तो जब उन्हें घर वापस जाना तो कहते तो मैं अपने देश वापस जा रहा हूं सो दे आर नॉट से डिफरेंट कंट्री दे आर टॉकिंग अबाउट दैट रीजन देश जो वर्ड है वो कई बार अपने लोकल रीजन के लिए भी है कि मेरा देश वो है जहां मैं रहता हूं तो मैं अभी दूसरे जगह पर आया हूं तो मैं अपने देश वापिस चला जाऊँगा तो दैट वर्ड देश इज रीजनल कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन कि बंगाल में कई जगह पर जो वर्ड देश है वो बेसिकली रीजनल कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है बंगाल में बिहार में झारखंड में उड़ीसा में कि मैं अपने देश वापस जा रहा हूं बट नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में इनके कॉन्टेक्स्ट में गणेश देवस्कर के कॉन्टेक्स्ट में देश मेंट नेशन डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ये उस साल होगा तो चिंता की बात नहीं है गांधी इरविन पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है गांधी इरविन पैक्ट आपको एक छोटे से उद्देश्य था, 1928 में। का था कि 1919 में जो दी अपोजिशन अंग्रेजों ने सुनी नहीं रिपोर्ट सबमिट कर दी तो उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद डिस्कशन होना था वो डिस्कशन हुए थे तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तीस उन्नीस सौ और उन्नीस में तीन में से पहली में दूसरी में और तीसरी में फर्क यह है कि पहली के अंदर कांग्रेस नहीं गई थी बॉयकॉट कर दिया था तीसरी के अंदर भी नहीं गई थी सिर्फ और सिर्फ सेकंड के अंदर गई थी इसमें गई थी 1931 वाली में सेकंड वाली में और वो क्यों गई थी क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में यह समझौता किया गया था कि पहली जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां कांग्रेस गई नहीं तो फेल हो गई दे रियलाइज की कांग्रेस इज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया तो जब वही नहीं है तो बेसिकली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं किससे डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन लिए नहीं जा सकते सो टू ब्रिंग कांग्रेस ऑन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इरविन इनड ए नेगोसिएशन विद गांधी एंड दे केम अपी इनपैक्ट आपको इसलिए भी याद होगा क्योंकि आपने सुना होगा क्योंकि इसी कॉन्टेक्सट में यहां पर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को भी फांसी दी गई थी एंड यू प्रोबेबली हैव हैव हर्ड कि गांधी जी कुड सेव्ड भगत सिंह फ्रॉम हैंगिंग राधर उनकी जो कन्विक्शन uh, uh, थी उसको वो लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करा सकते थे अगर ऐसा हाइपोथेटिकली कहा जाता है अगर वो इरविन से इस बारे में नेगोशिएट कर लेते डू इट अब ये यहां पर यही सवाल कर रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट था उसमें से यहां पर क्या क्या आता है क्या नहीं आता है तो इसके आंसर जरा मुझे बता दीजिए दैट वुड भी वेरी मच इंटरेस्टिंग इसका अगर आप सही आंसर बता पाएंगे तो दैट वुड भी फिनोमिनली इंटरेस्टिंग चलिए इसका आंसर इनविटेशन टू कांग्रेस ये तो है ही है वन हो गया तो वन किस किस में है ये तो हटी गया पहले ऑटोमेटिकली वन वाला हम ले लेंगे एंड रिलीज ऑफ ओनली प्रिजनर्स वर नॉट चार्ज विद वायलेंस अगेन गांधी वाले कॉन्सेप्ट यही है कि जो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनको छोड़ दिया जाए तो वन और फोर तो ऑटोमेटिकली रेड है तो हमारे ऑटोमेटिकली uh, येस yes है तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली निकल गया डिस्पाइट नोइंग की सेकेंड सही है, है या थर्ड गलत है या नहीं है इजी आई थिंक इट्स एन ईजी क्वेश्चन अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता हो तो नोट डाउट अबाउट इट विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन द इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो जैसे ही भारत आजाद हुआ सरकार है उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए लैंड रिफॉर्म्स का परपज क्या था अब सिंपल वाली बात है स्टेट फॉरवर्ड लैंड रिफॉर्म्स का उद्देश्य था कि जो लैंडलेस है जिनके पास जमीने नहीं है प्रेजेंट्स हैं उनको एग्रीकल्चरल लैंड दी जाए दर इज नथिंग साइंस अबाउट इट स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर नॉट अ प्रॉब्लम सेकंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी चार्टर एक्ट ऑफ एटीन हंड्रेड थर्टीन अब समझ आ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन ये सारे के सारे जो अपने लक्ष्मीकांत का चैप्टर वन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता है कॉन्स्टिट्यूशन का ये ये हिस्ट्री हिस्ट्री में में भी है, में भी मॉडर्न आते आते हैं हैं सब, के सब. ये क्यों आते है? कि क्या क्या हुआ है इज द इवेंट ऑफ दैट इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना अब देखो मैं वैसे बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात है थर्टी फर्स्ट डिसंबर सिक्सटीन हंड्रेड को ये बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय इन्होंने अपनी उस समय की जो क्वीन थी उससे एक चार्टर साइन करवाया था और उस चार्टर में लिखा हुआ था कि इनको पंद्रह फिफ्टीन इयर्स के लिए मोनोपोली मिलेगी टू ट्रेड विद इंडिया मतलब टू ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप मतलब uh, जो uh, अफ्रीका का जो सबसे दक्षिण पॉइंट है उसके ईस्ट में पंद्रह साल तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड किया करेगी तो 1600 सेंचुरी में पंद्रह साल की मोनोपोली थी ये बढ़ाते 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 सो तेरह में फाइनली खत्म हुई थी इसी चार्टर एक्ट के द्वारा तो आंसर वैसे ही बता दिया इट असर्टेड दॉवेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी यस एंड द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया थर्ड वाला गलत है तो हमारे पास आंसर इसका आ गया ऑटोमेटिकली फर्स्ट एंड टू ओनली राइट ब्रिलियंट ऑसम एप्सोल्यूटली विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवेंट या आसान होना चाहिए इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवल ऑफ द इंडिजिनियसल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज स्टेबलिड यार इसके नाम में स्वदेश है शाहरुख खान वाला स्वदेश नहीं मतलब यही था तो हांस इट रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिस्ट भाई कांग्रेस खादी क्यों पहनती थी या आज तक पॉलिटिशियन खादी क्यों पहनते हैं इट कम्स फ्रॉम दैट लेगेसी ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट इंटरेस्टिंग राइट आज तक जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो खादी पहनते हैं एंड यू कैन एक्चुअली आस्क कि क्यों अंग्रेजों वाले तो नहीं पहनते डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन तो ये बराक ओबामा ये तो खादी वादी वहां के पॉलिटिशियन नहीं पहन रहे हमारे क्यों पहन रहे हैं हमारे खादी इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्नीस में जब स्वदेशी मूवमेंट चली तो एक मुहिम चली थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर कि अंग्रेजों का कपड़ा छोड़ो देसी इंडिजीनियस आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट और इंडस्ट्री के पहनो तो पॉलिटिशियन ये दिखाना चाहता है यूजुअली खादी के द्वारा कि मैं आपका ही आदमी हूं मैं बाहर से नहीं आया हूं मैं देसी हूं यस एंड द नेशनल काउंसिल सो ये बोथ वन एंड टू ये दोनों के दोनों सही है सी व्हाई आर वी एक्चुअली ट्राइंग टू स्टडी इंडियन नेशनल मूवमेंट लुक एट द इंपैक्ट इट हैज ऑन सोसाइटी एक साल हो चुके हैं स्वदेशी मूवमेंट को एंड स्टिल आज भी पॉलिटिशियंस को देख लो खादी पहन के घूम रहे हैं

इसमें कोई सरप्राइज रखने की कोई खास जरूरत नहीं है तो मैं आगे चली देता हूं विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इन लेबर सच बताओ हाँ या ना यस दिस इज यस इन द लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर दर्ल्ड वॉर तो चैम्सफोर्ड है मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आए हैं 1919 में तो so, इसका मतलब यह है ये बात कर रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है स्टेटमेंट गलत है एंड दर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने कहीं ना कहीं पे सुना भी होगा महात्मा गांधी ने बेसिकली सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को राधर उन्होंने हेल्प किया था वर्ल्ड वॉर वन के लिए रिक्रूट करना याद रखिए महात्मा गांधी इज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स समझ रहे ना बात कि यार तुम हमें सेल्फ रूल कर रहे दो सेल्फ जो बायस प्रिजिस ड्रेकोनियन लॉ है उनके अगेंस्ट टू एंड महात्मा गांधी वुड हैव रिएक्टेड द सेम इधर इफ इट वॉर एन इंडियन गवर्नमेंट ड मैटर अनजस्ट लॉ अंग्रेज बनाए या भारतीय बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए, गांधी के लिए भी रात किसी के लिए भी नहीं पड़ना चाहिए लॉ गलत है ये किसने बनाया इस बात पे डिपेंड करता ही नहीं है द लॉ इज रॉन्ग एंड दैट इज इट एंड वी आर गोट प्रोटेस्ट इट सो ये गलत स्टेटमेंट है सो so, फर्स्ट सही है टू गलत है टू जिसमें भी था काट दो टू जिसमें था इजी एलिमिनेशन करके जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मजा आता है वो कहीं पे भी नहीं है जीवन में मैं बता रहा हूं एलिमिनेशन करके कि तीन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आती है नीचे गए और एक स्टेटमेंट वो तीन सबसे हटा दिया और एक ही दैट इज अ ब्रिलियंट फीलिंग आई लव दैट फीलिंग जब ऐसा एलिमिनेशन करके क्वेश्चंस होते हैं चलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तेज बहादुर सप्रू प्रेजिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के केसी सी नियोगी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन तो है ये डिफिकल्ट इसमें मैं कोई शक की बात नहीं है तो ये क्वेश्चन तुम बताओ आंसर बताइए आप इसका उसके बारे में बात करते है. इसको आंसर लेके चलेंगे वी विल टेक अबाउट ए आंसर फॉर दिस एंड आई होप सो यू विल बी एबल टू फिगर आंसर दो इसका इसका आंसर दो चलिए hmm. चलिए जिस दिया था दो हजार गुड वन ठीक है चलिए दो हजार अठारह देखते हैं रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ स्टेटमेंट आर ट्रू वुड्स डिस्पैच में कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी पहले तो मुझे यह बताओ तुम आंसर में वुड्स डिस्पैच आया कब था दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वुड्स डिस्पैच कब आया था टाइम नो नो डेट आई आई नीड द ईयर वुड्स डिस्पैच का ईयर बताइए आप मुझे सबसे पहले नी बड़ी समी स्मार्ट पर्सन वेट वुड्सैच नेटेटमेंट है आप एक बार एनसीआरटी खोल लीजिए अगर आपके पास पीडीएफ है तो सर्च करके देखिए द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट की वुड्स डिस्पैच ने इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यस इट वॉज रेकमेंडेड हावेवर फर्स्ट से फिफ्थ के लिए वर्नेकुलर ही थी Have यू गॉन टू स्कूल जहां पर एक से पांच तक इंग्लिश छठी क्लास से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं यू नो दैट कहीं पे पता है किसी को अब अपने पेरेंट्स से पूछेगा गारंटी से वो 90 परसेंट चांस है कि वो किसी ऐसे स्कूल में पढ़े होंगे जहां से या कोई भी जो गांव के स्कूल है प्रॉबेबली शहरों वाले नहीं है या उनमें फर्स्ट से फिफ्थ तक सिर्फ और सिर्फ वर्नैकुलर यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होती है जो मदर टंग होती है उसमें दिया जाता है और इंग्लिश आती थी सिक्स में यू नो

डेंट यू थिंक भाई हमारे जो शहर वाले स्कूल हैं वो बचपन से ही एल से इंग्लिश कर रहे हैं और जो गांव वाले स्कूल हैं इस क्यूरियासिटी आस्क द क्वेश्चन यूर सेल्फ यू विल गेट सम आंसर मिल जाएगा आपको इतिहास पढ़ने के बिना आंसर मिल जाएगा विद रेफरेंस टू द एजुकेशनल इस आई एम सो सॉरी ये यहाँ पे पहले से ही किसी ने मार्क कर दिया है तो इसमें आपके पास आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा दिस इज ऑलरेडी मार्क्ड ियल uh, रूल के समय में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के फाउंडर्स का नाम पूछा गया है तो यहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि वॉरन हेस्टिंग्स द फाउंडर ऑफ द कलकत्ता मदरसा डिफिकल्ट टू फिगर आउट वॉरन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा के फाउंडर है राइट ओके द होमवर्क ये बताओ कि संस्कृत कॉलेज और बनारस हु इज द फाउंडर क्योंकि विलियम तो नहीं है देन हु इज एंड फोर्ट विलियम कॉलेज वेल्सली नहीं है तो कौन है फोर्ट विलियम का तो बता सकते हो वेल्सली तो था बट वॉज दैट पर्सन आर्थर वेल्जली स्लाइटली ट्री की यहां पर कैच हो जाएगा बताओ बताओ विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लिएस्ट अगर कोई भी मेरी स्पेक्ट्रम की सीरीज देख रहा है यूट्यूब के ऊपर देखिए कभी किसी ने वो डू थिंक मेरे हिस्ट्री के लिए आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है द फर्स्ट वन इज लर्न द टाइम लाइन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो नंबर करना चाहते हो लर्न द टाइम लाइन विच आर द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीएस्ट आपको टाइम बताना है इन्होंने नहीं बताया आपको गैस करना है तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम फर्स्ट इंडियन ये बात है 1863 की ठीक है आ, स्वामी दयानंद एस्टेब्लिश आर्य समाज अठारह की है आई थिंक राइट 1875 है तो ये दोनों अच्छा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ

you will find it आप देखेंगे तो अरे हाँ ये तो सामने लिखा हुआ है चारों चारों चीजें मेंशन है चारों की चारों मेंशन है तो पता चल जाएगा 1920 में इनमें से किसने अपना नाम बदलकर कर स्वराज्य सभा रख दिया था स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या ही बात आपसे क्या वो खेलूं इसमें ऑल इंडिया होम रूल लीग ठीक है होम रूल लीग 1920 के बाद होम रूल लीग्स ने कोई खास रोल प्ले भी नहीं किया था बेसिकली होम रूल लीग के अंदर दो लोग इन्वॉल्व हैं बाल गंगाधर तिलक इन्वॉल्व हैं और एनी बसंत इन्वॉल्व है एनी बसंत और इन दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग होम रूल लगाई थी अगर आपसे कहूं तो होम रूल लीग के बारे में एक सवाल याद करिएगा ठीक है आज का होमवर्क देता हूँ आपको uh, एक हमारी तिलक वाली होम रूल लीग है और एक एनी बसंत वाली होम रूल लीग है ठीक है ये अलग अलग एरिया में काम करती थी जहां तिलक की थी वहां अनी बसंत की नहीं थी जहां एनी बसंत की थी वहां तिलक की नहीं थी कौन सी होम रूल लीग कौन से एरिया में काम करती थी यह बात याद रखिएगा यह क्वेश्चन आने वाला है किसी ना किसी दिन ओके दिस इज योर होमवर्क सो वर टू होम रूल लीग्स एक बाल गंगाधर तिलक की एक एनी बसंत की दे हैड सेपरेट टेरिटरीज ऑफ फंक्शनिंग तो जहां एनी बसंत की थी ना वहां इन क्या नाम है तिलक वाली नहीं थी और जहां तिलक की थी वहां एनी बसंत की नहीं थी एंड यू नीड टू नो कि कौन किस एरिया में फंक्शन कर रहा था Guess, तिलक का वैसे आसान है तिलक, 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 तिलक किस रीजन से करते हैं? अगर आप यह भी बता देंगे तो प्रोबेबली एबल टू फिगर समय इंडिया पीपल स्पीक इन इंग्लिश इसका एक ऑब्वियसली रीजन है बिकॉज वी कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स उसके बावजूद भी उसमें भी एक उसकी पॉलिसी थी क्या पॉलिसी थी इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज टू द कंट्री सो सोच के देखो यार इन्होंने अप्रोक्सीमेटली अठारह सो दस आज से कितने साल हो गए दो सौ साल पहले टू हंड्रेड पीयर्स टू हंड्रेडर्सो देर सर्टन पीपल हुई कॉन्टिनें इंग्लिश लैंग्वेज एंड आफ्टर टू हंड्रेड ईयर्स मी एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट लैंग्वेज ऑफ यूरोप जो कि हमसे वैसे छह सात सात नौ हजार किलोमीटर दूर है ओके ही दे बहुत क्लैरिटी से फॉलोइ लेट टू इंट्रोडक्शन देखो इसमें आप देखोगे या तो चार्टर एक्ट से होगा या जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन अगर इससे हुआ होगा तो इससे नहीं हो सकता और अगर इसने कर दिया तो दस साल के बाद काउंट थोड़ी ना करेगा कि, किसने इंट्रोड्यूस किया इंट्रोड्यूस इसमें से कोई एक ही कर सकता है ना एटीन ट्वेंटी थ्री या एटीन थर्टीन एंड एटीन थर्टीन एक्ट की सबसे खास बात यही है कि उसने इंग्लिश एजुकेशन को एक्ट किया था तो फर्स्ट टू uh, जहां जहां पर हम कार्ड देंगे वी गॉट दंसर और जिस जिसने एनसीआर टी सिर्फ खोली है और सिर्फ और सिर्फ उसके इंडेक्स पढ़ा है उसको ये पता है ये टॉपिक कहीं था ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिसिस्ट मेंस में आने के लायक टॉपिक है ये इजी क्वेश्चन वेरी वेरी इजी ट्रीम इजी इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज क्या क्या है ये देखते हैं देखिए इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ग्रोथ इन नंबर कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड

उ डज दैट वाई क्या सर देश में जो हो रहा है वो सब अंग्रेजों का दिया हुआ है बहुत सारा सारा नहीं बट काफी सारा अगर हम देखेंगे तो डीपर में बोथ वन एंड टू ये दोनों की दोनों बातें सच हैं संथाल अपराइजिंग के बाद अंग्रेजों ने उसको कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए वेन एवर वी रीड एनी अपराइजिंग प्रेजेंट ट्राइबल इंडियन नेशनल मूवमेंट रिवोल्ट ऑफ एटीन कोई और वेल ओर म्यूटनी जो भी पढ़ेंगे एनी टाइम जब ऐसा कोई इवेंट होता है मेजर हिस्ट्री में पर्सन इन चार्ज विल टेक सम एक्शन कॉन्सिक्वेंसिस होंगे उसके वो कॉन्सिक्वेंसिस हमें हिस्ट्री में पढ़ने पड़ते हैं यह संथाल अपराइजिंग के कॉन्सिक्वेंसिस हैं वैपन आफ्टर दैट कार्व आउट किया गया जिसका नाम था संथाल परगना ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी गरीबाली शिवाजी एंड श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका फॉर समटाइम्स वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू देंट्रल असेंबली ही वॉज अरविंद घोष बिपिन चंद्रपाल लाला लाजपत राय मोतीलाल नेहरू अच्छा देखो इन्होंने क्या किया है लाल, बाल पाल, लाल, लाल तो लाला लाजपत हो गए बाल बिपिन चंद्रपाल बाल पाल ये हो गए तो लाल बाल पाल में बाल कौन होता भैया चलिए इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है दिस इज लाल लाजपत राय एंड इट अस डिफिकल्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए था आई वज नॉट एबल टू फाइंड कि कहाँ से उठाया था उन्होंने यूपीएससी ने बट अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन द गुड थिंग इज दट इट के नॉट बी रिपीटेड, बट द बैड थिंग इज दैट कि अब मोतीलाल नेहरू ने कोई किताब लिखी है कितनी भी लिखी है वो याद होनी चाहिए मोर और लेस समटाइम्स Which one of on the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by the Lord Wellesley? Subsidiary alliance क्या होता है? रानी लक्ष्मीबाई वाला केस मालूम है? वो सर, कुछ न कुछ subsidiary alliance से associated है, या doctrine of lapse से associated है? Subsidiary alliance मराठा से associated है, Mysore से associated है, किस चीज से associated है? Let's get into it. ठीक है? पहले वाली बात. फिर न, to secure a fixed income for the company. इसका सीधा सीधा ये उद्देश्य था इनकम इनकम का कोई मुद्दा नहीं था बेसिकली uh, जो वेल्सली था वो ये करता था कि किसी भी कंट, uh, पूरी पूरी अनेक्सेशन ना करे उस एरिया की अनेक्सेशन ना करे रादर उनसे सबसर्वियंट बना ले तो राजा या किंग जो है वो खुद अपने पूरे के पूरे उस टेरिटरी को रन करेगा अंग्रेजों के नाम पे रन करेगा सो दे डोंट हैव टू एडमिनिस्टर स्टफ उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा अंग्रेजों को बट दे विल बी दॉवरेन पावर इन दैट एरिया तो दैट इज कॉल्ड दब्सिडरी अलायंस इजी इजी वन ओके दिस इज आल्सो हैज बीन डन इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन हिंद मजदूर सभा जो कि 1948 में बनी है उसके फाउंडर्स कौन थे अशोक मेहता रामानुजम एंड जीजी जी मेहता डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता जितने ज्यादा याद हो उतना तो अच्छा है जितने एक आधा तो भूलेगा भी तो घबराने वाली मुद्दा नहीं रहेगा कोई टेंशन नहीं है वन द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और जब आप बेसिकली स्पेक्ट्रम पढ़ते हो आप क्या देखते हो कि जब गांधी जी का चैप्टर आता है तो गांधी का चैप्टर बिगिन होने से पहले गांधी के तीन छोटे छोटे से सत्याग्रह या चीन मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं एक तो है चंपारण के बारे में बात होती है एक खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात होती है और एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में बात होती है इज अ स्पेसिफिक रीजन जैसे मैंने अभी दिखाया था कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो तीन लोग हैं एनसीआरटी जो तीन नाम मैंशन करती है देर इज अ पर्पज बिहाइंड दिस वो तीनों अलग अलग धर्म के क्यों हैं? अंग्रेजों ने उनको ट्रायल पे क्यों रखा था तीनों अलग अलग धर्म केज अ पर्पज ऑफ डूइंग दैट सिमिलरली चंपारण खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कैन यू टेल मी वट इज द रीजन कि ये तीन मूवमेंट्स डिस्कस होती है गांधी के बिगनिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि जो गांधी का कल्ट है या जो गांधी की जो स्ट्रैटेजीज हैं या मास मूवमेंट को बनाने का जो तरीका था उनका उसमें इन्हीं तीनों को क्यों बताया गया है खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद स्ट्राइक और चंपारण सत्याग्रह फार्मर्स पेजेंट्स एंड दर्कर्स दीज आर दीपल हु क्रिएट अ मास मूवमेंट गांधी के आने से पहले जो लोग थे कांग्रेस uh, में या जो प्रोटेस्ट करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट देर ऑल इलीट मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियन द कल्ट ऑफ गांधी वाई इज ही इंपॉर्टेंट वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट वाई इज सो पावरफुल वाई एवरीबडी रिवर वट इज द रीजन ही टुक दैट मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट टू द मासुक इट टू पीपल एंड हु आर द पीपल वर्कर्स जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं फार्मर्स जो कि खेतों में काम करते हैं पेजेंट्स जो कि लैंडलेस लेबर होते हैं एंड हेंस वी डिस्कस ऑल थ्री चंपारण सत्याग्रह की सबसे खास बात यह थी कि जो पेजेंट्स हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनना स्टार्ट हो गए थे दैट इज वाई चंपारण इज इंपॉर्टेंट चंपारण में महात्मा गांधी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल फ्रीडम फाइटर का नाम जुड़ा हुआ है उसका नाम बताइए मुझे चलिए 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 बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो अगर बता सके तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे वैसे मैंने अब हिंट दे दिया तो आई थिंक दैट विल नॉट काउंट ठीक है सी इज द आंसर सी इज द आंसर चलिए द स्टेपल कॉमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द एटीन सेंचुरी ओहो डिफिकल्ट क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों है क्योंकि याद करना जरूरी है देखो ये चाय देख के मन करेगा कि इसको तो लगाई दो चाय तो है ही और चाय के लिए चाय तो इंपोर्ट करते थे ये सारे के सारे बगान आसाम दार्जिलिंग के किसने बनाए अंग्रेजों ने और चाय पीते रहते हैं आजकल अंग्रेज बट uh, हवेवर ये सिल्वर गोल्ड यू लिया है उन्होंने यहां से बट इट हैज नॉट बिकम की अठारह सेंचुरी में इन मिडल ऑफ एटीन सेंचुरी ये कीवर्ड है बंगाल ये कीवर्ड है uh, अगेन इसको बहुत ट्रिक में जाने की जरूरत तो नहीं है आंसर है कॉटन सिल्क सॉल्ट पीटर एंड दी ओपियम अब ये किताब में बहुत डायरेक्टली सेम शब्दों में लिखा हुआ है बट अगर नहीं आता है तो जहां पे गैस करने की कोशिश करोगे तो जिंक सिल्वर कॉपर एंड गोल्ड ये मेटल्स हैं एंड यू थिंक वेरी हार्ड बट यू नेवर हर्ड अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग इन मेटल्स फॉर एनी अदर रीज आई डोंट नो हाई राइट कभी भी नहीं सुना यही सॉल्ट ओपियम इंडिगो स्पाइसिस राइट यह सब सुना कॉटन सिल्क सोल्ट पिटर एंड ओपियम यही चीजें थी समझ में मुझे नहीं आ रहा कि गांजा मारता कौन था अंग्रेज गांजा यूज कर रहे थे या अंग्रेज कहीं बेच रहे थे गांजे कोड यू नो वुड यू थिंक चलिए हुआ एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ दी राइट सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक आंसर डायरेक्ट है एलेक्जेंडर रीड ठीक है ये ये आंसर है परंतु तीनों के तीनों इन्वॉल्व है तीनों तीनों के हैं वैसे ही बता देता हूं काफी इंपॉर्टेंट है क्यों कंफ्यूजन में आपको डाला तो लेट्स ओके यहां पर भी हमारे पास डायरेक्टली आंसर ही है राधाकांता देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश एसोसिएशन है सेकंड uh, वाला गलत है सुरेंद्रनाथ बेजेदी फाउंडर ऑफ दी सो ए एनली इसका आंसर छोड़िए इस क्वेश्चन को वैसे भी इतना डिफिकल्ट ये होना भी नहीं था हमसे छोड़िए छोड़ देते हैं बटलर कमेटी 1927 में जो आई थी इसका क्या पर्पस था एनी बड़ी इट हैड पर्पस ऑफ दिल इंप्रूविंग द रिलेशनशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है देख के अगर डिफिकल्ट अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया और ध्यान से पढ़े होती कोई आएगी आएगी कोई समस्या नहीं इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स

म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी इसका भी अभी अभी हमने टाइम देखा है वो जो तीनों uh, मतलब इसका अभी अभी हमने टाइम देखा था एक स्क्रीनशॉट में देखा था इंडियन नेशनल आर्मी के पास वाले स्क्रीनशॉट में एंड सेकंड सेकंड राउंड टेबल राउंड टेबल के बारे में मैंने अभी भी बताया आपको दिस इज नाइनटीन एंड सिक्स के करीब का मुद्दा है ये तो हमारे पास आसानी से आंसर आ गया तो सबसे पहले कौन है थ्री उसके बाद टू और उसके बाद वन सो वी गॉट दिस आंसर मतलब सरल क्वेश्चन है इसको मैं डिफिकल्ट कह भी नहीं सकता हूँ आप भी नहीं मानेंगे मेजर मेजर आसानी से याद होने वाले इवेंट्स हैल्ड वॉर तो ये क्रिप्स जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी क्रिप्स का क्या आइडिया था क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट हुई आठ अगस्त वाला जो क्वेश्चन आया था देखो रिलेटेड आ रही है सारी क्रिप्स पे पहले क्वेश्चन आ चुका है क्विट इंडिया मूवमेंट पर क्वेश्चन आ चुका है और ये वही वाला क्वेश्चन, uh, के इंडिया लॉजिक समझे क्रिप्स क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में 1942 में इसको इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था वॉर में ब्रिटिशर्स को तो इसने बोला क्या होगा ये बोलता बोला कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे, दे देंगे हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो गांधी जी इस बात से छिड़ गए बोला अब भाई अब तुम तुम तो सुनने वाले हो नहीं हम क्विट इंडिया मूवमेंट निकलो अब इधर से हम बात ही नहीं करेंगे तुमसे अब कौन सा डोमिनियन स्टेटस प्रोमिस करोगे हमें फ्रीडम दी जाएगी अब और अभी दो वेट क्या करोगे सो दिस वॉज इट ना वट दी वन प्रीड इजी वट वॉज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन नाइनटीन नॉट सेवन आसान क्वेश्चन है सूरत के अंदर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर साल अलग अलग सेशन हुआ करते थे और 1907 में जो सेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था और सूरत में सबसे ज्यादा स्पेशलिटी या इस बात का इवेंट क्या है कांग्रेस दो भागों में बट गई थी इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में किनको बाहर निकाला गया था एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट्स के कंट्रोल में आ गई थी लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई किस बात की हुई थी इन दोनों के बीच में लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट्स के ऊपर यकीन नहीं रहा था मुस्लिम लीग का भी जो फाउंडेशन है उसी के करीब हुआ था तो कंफ्यूजन इसलिए होगा और बिंदो घोष का भी ये इवेंट था वहीं पर हुआ था और इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म बाय लॉर्ड मिंटो ये 1909 की बात है ठीक है तो कंफ्यूजन नहीं करना इसके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट जो थे बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल इनको यह नहीं लग रहा था कि अब मॉडरेट ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकते हैं ठीक है दे वॉन्टेड मच मोर एक्शनेबल थिंग्स एनहेंस जिसकी वजह से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में सूरत स्प्लिट हो गया था क्वेश्चन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोबारा वापस कब मिलते हैं वेन डू वेन डू दे कम टूगेदर विच ईयर कंसिडर द फॉलोइंग कमेटी कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन इसमें से किस किस की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड है बताइए चलिए uh, ये क्वेश्चन uh, समझ में आ गया एक सेकेंड समझ में आ गया होगा चलिए हाँ सॉरी नाउट डिफिकल्ट क्वेश्चन नो डाउट इट एंड हाईली अनलाइकली कि इस क्वेश्चन को आंसर भी किया जा सकता था तो आई है no कि इसको कैसे आंसर करेंगे। तो आप में से किसी एक को बताना पड़ेगा मुझे कि चलिए जल्दी से बता दीजिए अगर इसका आपको आंसर पता हो तो मैं तो ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे आता नहीं ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं छोड़ देता हूँ The montague Chancellor proposals were related to. Oh, Easy. I think this is the easiest question of the day, I believe. I think, yeah, absolutely. D is the constitutional reforms. What are montague Chancellor reforms? They are constitutional reforms. Don't even think about it. This is the question which brightness. Oh, my God, this question But the bad thing about this question is, this question So this will not fetch you marks. इस ये क्वेश्चन ये जो है कट ऑफ दो नंबर बढ़ाने के लिए बिकॉज एवरीबडी नोज इट सैडली सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज अच्छा अगर आप इन वर्डों का इन वर्ड्स का सही मतलब निकाल लो ना तो आंसर भी निकाल लोगे, सत्य शोधक समाज uh, anybody? can कैन यू गिव मी answer फॉर दिस

साइमन कमीशन के लिए ये बॉयकॉट वाला मेथड स्वदेशी वाला मेथड नहीं था साइमन साइमन गो बैक के प्रोटेस्ट चलते थे सो नो इट वाज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग 2015 द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व सरोजी नायडू एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंटदी बदरुद्दीन तैयब जी इसमें से कौन सा सही है नाउ द वेस्ट सिंपल इज दैट कई जगह पे अगर आप अभी इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कई जगह पे ये स्टेटमेंट सही लिखी गई है हाव नो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और सरोजिनी नायडू अब ये जो इतना सटल सी जो ट्रिक थी ये बनती है मतलब इतना तो यूपीएससी वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए तो फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट थी फर्स्ट इंडियन वुमेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस सरोजी नायडू और कई जगह पर बच्चे लोग मुझे मैसेज करते हैं वापस कि सर सरोजी नायडू है क्योंकि हमने इंटरनेट पे देखा है हाँ बेटा तुमने इंटरनेट पे देखा है बिल्कुल सही देखा है लेकिन उस पर पूरा सेंटेंस तो पढ़ो उस पर यह भी लिखा हुआ है फर्स्ट इंडियन वाला सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग दिस इज ऑब्वियसली राइट वी विल गो फिर द टू ओनली यूपीएससी दो तरीके के क्वेश्चन देता है एक तो ऐसे आउटस्टैंडिंगली सटल छोटी सी गलती मिस्टेक को पकड़ने वाले और एक ऐसे क्वेश्चन पूरा पूरा पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहिए जहां पे लॉजिक चाहिए वहां पे सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे बिना इंफॉर्मेशन के भी क्वेश्चन किया जा सकता है तंजोर कोस्ट पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए अप्रैल 1930 में किसने मार्च ऑर्गेनाइज़ की थी गांधी जी का तो पता ही होगा 1930 में उन्होंने की थी डांडी में तो उनका तो तो उनका नाम दे भी देते तो आपको पहली पता होता। तो वो में के बाद उनको तो जेल हो गई थी अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन नहीं बता सकता हूं सी नॉट अ प्रॉब्लम कंफ्यूजन करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड यार रिफॉर्म्स पे तीन क्वेश्चन आ चुके हैं मतलब अगर आप अगले साल मॉन्टे चांस रिफॉर्म्स तुम याद ना करके जाओ तो डू नॉट ब्लेम एनी बड़ी एल्स फॉर योर प्रिपरेशन फिर ये मत कहना कि सर आपने कराया नहीं था स्टडी आई क्योंकि बैच में तो ये हुआ नहीं था यार जब क्लैरिटी से दिख रहा है कि हमें तीन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले दस सालों में मॉन्टे तो से तो इससे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है हिस्ट्री में बता दो मुझे स्क्रिप्ट मिशन और नाइनटीन फोर्टी टू क्विट इंडिया मूवमेंट तीन क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ चुके हैं तो जब इतनी क्लैरिटी है कि पिछले दस साल में तीन तीन क्वेश्चन आए तो ये टॉपिक याद क्यों नहीं कर लेते तुम परेशन जुडिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोडक्शन पॉर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ नाइनिस्डिक्शन बी इज आंसर। कैसे रिजर्व वाला सब्जेक्ट था ना तो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ जूडिस्डिक्शन ही तो अलग करिए सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट Uh, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसके लिए आपको स्पेसिफिकली पता करना पड़ेगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कौन थी फिर उन्होंने क्या क्या किया आंसर uh, बेसिकली इसका है तीनों ही हैं ये सारी की सारी नॉट अ प्रॉब्लम चलिए लीव इट एक दो क्वेश्चन ऐसे रैंडम आर्बिटर आएंगे जिनके बारे में दिल नहीं लगेगा तो चिंता की कोई ज्यादा टेंशन मत लेना फॉलोइंग वार वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनलिजम इन इंडिया तीनों है विज नो ट्रिक इनवॉल्ड आप uh, जब चैप्टर पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिशर्स का तो दादा भाई नरोजी दत्त इन्होंने किताबें लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया इस प्रकार की जो बुक्स हैं ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वेल्थ ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो किन की तरफ से आता है इन्हीं लोगों दादा भाई नरोजी आरसी दत्त इन्होंने किताबें लिखी थी जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज आर एक्चुअली टेकिंग द इंडियन मनी टू द यूरोप ड्रेन कर रही है क्रिटिक है इकोनॉमिक पॉलिसीज का तीनों ही है uh,

तो यही बचे वन एंड वन एंड टू ओनली रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज होम रूल लीग दिस इज द करेक्ट आंसर तो वी विल गो विद इजी राइट हु विदी नो हुट सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह की वजह से ही बेसिकली उसके बाद ही उसके अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे तब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई तभी वो जलियावाला बाग का जो इंसिडेंट है इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रॉयलट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है ठीक है सो फर्स्ट एंड टू इज राइट Which one of the following contributed a split फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड स्प्लिट इन द इंडियन यार ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पे भी अभी भी सूरत में पिछले साल भी सूरत में आया था इस साल फिर दोबारा से सूरत स्प्लिट पर आ गया एंड स्वदेशी मूवमेंट क्विट इंडिया तो 1942 की है ये कब हुआ है स्प्लिट हुआ उन्नीस सौ में ना ठीक है तो ये 1942 की है यह 1920 की है उन्नीस 1930 की है तो यही बची है हमारे पास ये 1905 की है इसी की वजह से हुआ था पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में स्वदेशी मूवमेंट को काफी इंपॉर्टेंट लग रही है दो तीन बार पूछ रही है यूपीएससी ने विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हिस्ट्रीच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम में हिस्ट्री इतिहास के कॉन्टेक्ट में बड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया अगर फ्यूडल वर्ड का मतलब पता है तो आंसर बिना कुछ इंफॉर्मेशन जाने कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के मीनिंग पे बेसिस पे ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी बस यही काट दो इसको फ्यूडल का मतलब ही नॉन सेंट्रलाइजेशन होता है वर्ड फ्यूडल मींस नॉन सेंट्रलाइजेशन द वेरी स्ट्रॉन्ग फ्यूडल फेडरलिज्म फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में अलग अलग पावर्स डिफाइंड है फ्यूडल फ्यूडल का मतलब सेंट्रल सेंट्रलाइज पॉलिटिकल फर्स्ट तो, तो पहले ही कट गया जस्ट बाय द मीनिंग मैंने अभी तक आगे पढ़ा भी नहीं है तो फर्स्ट को काट दो सब सबको थर्ड तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड देखना है कि सेकंड सही है या नहीं सही है द इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड द ऑफ लैंड यस दैट इज व्हाट फ्यूडल फ्यूडलिज्म इज यस सो दिस इज राइट सो वी ऑटोमेटिकली गॉट आवर आंसर जीरो इंफॉर्मेशन सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूडल द वर्ल्ड फ्यूडल सिर्फ और सिर्फ फ्यूडल वर्ल्ड के बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन को किया कॉन्सेप्ट के बेसिस एंड दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फ्यूडल is antonym to the centralized political authority right it is चलिए आइए देखते हैं द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाई लॉर्ड लॉर्ड कर्जन ने उन्नीस सौ पांच पार्टीशन ऑफ बंगाल पे चौथा क्वेश्चन आया दस सालों में इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल से पीछे स्वदेशी मूवमेंट थी स्वदेशी मूवमेंट से सूरत स्प्लिट होता है फोर्थ क्वेश्चन इज कमिंग ऑन है इसको तो करके जाना पड़ेगा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में पार्टीशन बंगाल कराया था जिसको बाद में रिवर्स कर दिया गया था कब रिवर्स किया गया था स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है किंग जॉर्ज वी एब्रोगेटेड कर रॉयल दरवार इन उन्नीस सौ 1911 आए थे वहां पे अंग, अंग्रेजों के जो राजा थे भारत के भी उस समय हुआ करते थे तो वो आए थे तो जब राजा आता है तो प्रजा को कुछ ना कुछ हीरे मोती बांटता है तो इट वॉज दैट

पूरे के पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस के नाम पे बनाया जाएगा और क्योंकि वो पूर्ण स्वराज दिवस था उसके बाद में इसीलिए 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे भी बना दिया गया था सेम रीजन सो दैट इन लाहौर सेशन सेशन 92, 7, 1929 वाले में दूसरा यहां पे फंडामेंटल राइट्स का भी एक बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट जो था रेजोल्यूशन re था उसको अडॉप्ट किया गया था विच लेटर ऑन बिकम द द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन उन्नीस का जो कांग्रेस वाला सेशन था गदर रेवल्यूशनरी एसोसिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी पढ़ेगा एक बार भी अगर गदर पढ़ा किसी ने सो दे नो बट इट इज आई एम नॉट इवन टूट ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन इन अठारह सौ अट्ठावन अठारह सौ सत्तावन में इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी आई थिंक वेट डन ओवर दैट राइट उसके बाद अंग्रेजों ने एक बिल, बिल, बिल पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास किया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और सारा का सारा जो रूल है वो क्राउन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया तो so जो क्राउन के ऊपर रूल ट्रांसफर किया गया था उसमें वो क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन की थी उस प्रोक्लेन में क्या क्या था

No doubts about it? Ic come on. Zero doubts? Question, done. Okay. With reference to Indian history, the members of constituent assemblies from the provinces were directly elected by the people, obviously no, 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 no. Nominated by the Indian National Congress, no, 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 no. Elected by the provincial assembly, selected by the government in their, na no, na no, na no, no. Easy, straightforward. लक्ष्मीकांत में भी पढ़ना था अपनी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ना होता है आ, आसान क्वेश्चन है इसको मैं बहुत इजी क्वेश्चन मानूंगा नॉट अ प्रॉब्लम वाली बात है इसके अंदर ठीक है द डिमांड फॉर दी तेभागा प्रेजेंट्स मूवमेंट इन बंगाल हो अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है प्रेजेंट्स मूवमेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट्स हैं वो हम एक्चुअली में मिस कर देते हैं इसका आंसर बता सकते हो कि तेभागा मूवमेंट इसके वर्ड में जस्ट इन केस ओके दिस वॉज मूड तिभागा तीन भाग थ्री पार्ट्स आंसर द क्वेश्चन आ रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड फ्रॉम वन हाफ टू वन थर्ड इट देर इन द नेम कौन कौन डर गया था इसको करने से ती भागा थ्री पार्ट द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंड लोड फ्रॉम वन हाफ टू क्रॉप टू वन थाट इज दंसर दैट इज दंसर वी डेड द फ्यूडल फ्यूडल वाला नाम से हो रहा है यह ती भागा मूवमेंट नहीं भी याद है ना जिंदगी में कभी नहीं सुनी ती भागा मूवमेंट क्या होती है तीन भाग तुक्का मारोगे तो यही सबसे बेस्ट है और यही आंसर है पीपल ऑफ इंडिया एजुटेटेड अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इजी है मैं इजी में रखूंगा 2013 में लगता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत आसान क्वेश्चन आए थे मैंने भी किए थे सारे अंदर लिखा हुआ था कि दस साल के बाद रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी तो दस साल खत्म होने से पहले ही दो साल पहले ही उन्होंने एक साइमन कमीशन बना दिया कि मॉन्टेक रिव्यू करेंगे लेकिन इसके अंदर जो सात मेंबर थे साथों के साथों गोरे अंग्रेज थे तो भारतीय बोले कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिव्यू करने की है उसमें एक भी भारतीय नहीं लाला लाजपत राय जी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके चार्ज कर दिया गया था उसमें जो चोटें आई थी चार्ज में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय जी की डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने सॉन्डर्स को बेसिकली असैसिनेट किया था बट दैट वॉज अ केस ऑफ मिस uh, आइडेंटिटी वो उसको uh, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज कर जिसने ऑर्डर दिया था वो उसको असेसिनेट करने गया था हावेवर ही एंडेड अप असेसिनेटिंग कर्नल सॉन्डर्स सॉन्डर्स जो कि uh, पुलिस के एक अधिकारी थे सॉन्डर्स के मर्डर uh, के कन्विक्शन uh, में ही भगत सिंह जी को तेईस मार्च उन्नीस को फांसी दी गई थी कनेक्टेड साइमन कमीशन इज कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ सिंह हाउ एज आई टोल्ड यू क्विट इंडिया वो ओके आई एम एज सरप्राइज एज यू आर ओके आई एम एज सरप्राइज एज यू आर मुझे नहीं पता दस साल में क्विट इंडिया मोमेंट और क्रिप्स पे पांच क्वेश्चन क्रिप्स प्रपोजल अब मतलब हो सकता है ये स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन होता तो डिफिकल्ट हो सकता था बट अब तो हम कर चुके तो इसको ईजी में रखेंगे इन टेन ईयर देव क्वेश्चन हर ऑल्टनेट ईयर पर क्रिप्स और क्विट इंडिया मूवमेंट पर क्वेश्चन आ रहा है क्या इसरा मैं नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे तो सामने यूपीएससी ने पूछा हुआ है एनी बसंत वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट यस यस अभी मैंने बात तो की थी उसके बारे में फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी वंस द प्रेजिडेंट तो देखो ये तो बात सही है थर्ड किस किस में है थर्ड इसमें है तीनों में है रिस्पॉन्सिबल फॉर होम रूल वाली भी सही है तो वन भी चाहिए हमको सवाल यह है कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस से आएगा जिसको ये पता हो वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता तो फर्स्ट और थर्ड को छोड़ो आंसर इसके अंदर है और आंसर है मैडम ब्लास्वास की उसका नाम प्रोनाउंस करो सही मैडम ब्लातवास्की ब्लातवास्की शी इज द फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी नॉट द एनी पर्सन सो वन एंड थ्री ओनली ठीक है मैडम ब्लातावास की थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर है आसान क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बचपन में ही पढ़ लेते हैं इसको द एलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पिछले दस साल के हमने सारे के सारे एमसीक्यू कर दिए हैं तो इसका जवाब मैं आपको नहीं देने वाला हूं जब तक आप मुझे इसका सही सही जवाब नहीं दे दोगे आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एन आंसर टू दिस यू आर गोइंग टू आंसर दिस ओन योर ओन माई फ्रेंड्स जल्दी जल्दी बताइए एल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी थी वो किस मुद्दे के ऊपर थी बिफोर टिल देन जब तक आप एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं तब तक मैं आपको बता देता हूं दैट इज आवर प्लान माय फ्रेंड्स यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैंने अभी अभी आपको एक्चुअली में मैं दिखाता हूँ रुकिए फिर दोबारा से एक बार कोशिश करके आपको पूरी की पूरी बातें समझा दूंगा सी हमारा पर्पस आज इन क्वेश्चंस को देखने का या डिस्कस करने का ये तरीका था कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना ये कहीं ना कहीं हमारी एनसीआर किताबों में से आए हुए हैं मैंने जो स्टार्टिंग के पिछले दो तीन साल के क्वेश्चन थे वो आपके लिए ढूंढे भी आपके लिए मैं ताकि आपको स्क्रीन दिखा सकूँ या सिर्फ कहीं कहीं बातों पर विश्वास ना किया जा सके जो क्वेश्चन हैं क्रिप्स मिशन का जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने एनसीआरटी में दिया हुआ है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो हैं सामने दिए हुए हैं

चैप्टर नहीं है वहां पे चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ starting, यहां पे स्टार्ट हो रहा है इट बस जो नेशनल kind of चेक कर रहा है आपका आईज आई बनना है आईपीएस बनना है तो कितना क्यूरियोसिटी है और कितना वो है आपके अंदर फ्रांसिस जेवियर वाले क्वेश्चन ठीक है मॉन्टेक चैंसोड वाले क्वेश्चन सारे के सारे क्विट इंडिया के well, क्वेश्चन सारे सारे हैं ये कैसे एनसीआरटीज में से आते हैं राइट एंड दैट इज वॉट अवर इज दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन लाइफ फाउंडेशन बैच हम इसी प्रकार से बिकॉज वी नो हमारे सोर्सेज क्या होंगे बिकॉज वी हैव एनालाइज कि हमारे क्वेश्चन आते कहां से हैं एंड वॉट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू आस्क हम पूरे के पूरे सारे के सारे जो प्रीलिम्स के, uh, के जो यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं और सिलेबस है उसको कवर करेंगे लाइव फाउंडेशन बैच में दिस बैच इज बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट शाम को छह बजे से क्लासेस होंगे तो जैसे आज मैंने आपकी लाइव क्लास ली मैं एक अगस्त के बाद नहीं लूंगा क्यों क्योंकि एक अगस्त के बाद मैं इस लाइव फाउंडेशन बैच में आपकी हिस्ट्री की क्लासेज ले रहा द बैच इज फिनोमिनली अफोर्डेबल फॉर यू हाउ एक महीने के लिए सिर्फ हजार रुपए दैट इज वॉट द कॉस्ट ऑफ द बैचेज थाउजेंड रुपीज फॉर अ मंथ ये बैच आप लेना चाहते हैं अगर आपका मन क्लियर करने में है तो आप बैच जब लेंगे स्टडी आए क्योंकि वेबसाइट पे जब जाते हैं तो ये बैच नंबर फाउंडेशन बैच नंबर थ्री है जब आप इसको बाय नाउ करोगे तो सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करें तो इस कूपन कोड में अमित लाइव एंटर करना ए एम आई टी एल आई वी ई अमित लाइव अप्लाई अमित लाइव एंटर करने के बाद कोर्स सिर्फ और सिर्फ अठारह नौ सौ निन्यानवे फॉर एटीन मंथ विच विल कवर ऑल ऑफ योर प्रम सिलेबस

एनीथिंग एल्स आई एम ऑल्सो यूजअली समटाइम्स अवेलेबल ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल जो कि आपके पास अवेल है तो आप मुझे वहां पर भी डीएम कर सकते हैं हाउ मनी आर यू ज्वाइनिंग द क्लासेस